Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for your ESIC Deputy Director position. इस वीडियो में बात करने वाले हैं दैट व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू कैन रेफर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बट ऑफ कोर्स आई हैव टू टेल यू दीज बुक्स. और अगर आप इन बुक्स को पहले से रेफर कर रहे थे या इनमें से कुछ बुक्स को पहले से रेफर कर रहे थे, देन सर्टेनली आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली होगी. बट स्टिल यू हैव अप्रॉक्सीमेटली वन मंथ टाइम, तो आप अगर चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर वेल, यू कैन रेफर सम ऑफ दीज बुक्स एज पर योर डिस्क्रिप्शन एंड एज पर योर चॉइस. बट टाइम कम है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा. वो कहते नहीं है कि हर समय हार्ड वर्क काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है. तो क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके मत पढ़िएगा, पूरी की पूरी बुक कवर अप करने की कोशिश मत करिएगा. उन टॉपिक्स पे फोकस करिएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो ज्यादा रिपीट होते हैं, और जहां से आपको लगता है कि यार ये मैं पढ़ लूंगा तो स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बात करूं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वहां से काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं. और अगर वहां पे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, यू आर वेल गुड इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिस, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, तो वहां पे आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, सो डू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स. और बाकी के लेक्चर्स में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक आपको पहले पढ़ना है और क्या टॉपिक आपको बाद में पढ़ना है. ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. जल्दी से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है. तो पहले तो आपको पता ही है कि जो हमारी सेक्शंस है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज सेक्शन ए सेक्शन बी, एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हैव सम वेटेज. जो तो मैंने आपको पास्ट ईयर एनालिसिस के बेस पे बताया था कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली ये 15 क्वेश्चंस का वेटेज है. दे आर गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, वन इज द ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक बाय एस पी बख्शी साहब की, आप ये बुक को रेफर कर सकते हैं. और अगर ग्रामेटिकल पोर्शंस के बारे में बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं जो कि पास्ट ईयर में 2011 के पेपर में पूछे गए थे, तो उसके लिए आप रनन मार्टिन बुक रेफर कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड बुक इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर इंग्लिश एज वेल. तो ये दो बुक है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. बट जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश इज नॉट समथिंग विच कैन बी लर्न्ड इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में नहीं सीखी जा सकती. बट ऑफकोर्स अगर आप एक रोज घंटे दो घंटे की प्रैक्टिस बना के रीड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशियंट. ठीक है, तो ये दो बुक्स हैं जो सजेस्टेड हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू योर सेक्शन बी, जिसके अंदर 10 टॉपिक्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 85 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, 15 क्वेश्चंस सेक्शन ए में और 85 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी. तो अगर मैं सेक्शन बी के बारे में बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए मैंने दो बुक्स आइडेंटिफाई करी हैं एंड आई हैव पर्सनली रेड दोज बुक्स. ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं अपने ग्रेजुएशन और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस बुक में कैसे आपको अप्रोच करना है किस बुक को. तो अगर मैं फिलिप कॉटलर के बारे में बात करूं तो ये थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट बुक है, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक है इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी. ठीक है, बट बहुत अच्छे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर गिवन है, डायग्राम बहुत अच्छे गिवन है जो आपको रिटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन बुक दैट इज बाय फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट की. और अगर आप थोड़ी सी ईजी बुक देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, तो आप ये सेकंड बुक रेफर कर सकते हैं, दैट इज द बुक बाय प्रोफेसर टीएन छाबड़ा. वेरी फेमस बुक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है ये बुक, और अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये बुक बहुत ज्यादा रेफर की जाती है. दैट इज वन बुक दैट यू कैन रेफर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेक्शन बी, जिसमें से स्कोर करना बहुत आसान है. तो ये दो बुक्स हैं जिनमें से आप रेफर कर सकते हैं. वन इज द बुक बाय के एस थापा एंड द अदर बुक इज बाय डॉक्टर सी वी गुप्ता. दिस बुक इज अ मोर इन टर्म्स ऑफ द इजियर लैंग्वेज, इसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज ईजी मिलेगी, इसमें से थोड़ी सी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट मिलने वाली है. ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी वीक है, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड पिक द बुक सी वी गुप्ता. बट इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ द सिलेबस बोथ द बुक्स आर इक्वली गुड एंड बोथ द बुक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं. मूविंग अहेड विथ द फर्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेक्शन बी का, दैट हैज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन दोनों सब्जेक्ट के लिए ये एक एक बुक ही मैंने रेफर करी है, बिकॉज टेक्निकल टॉपिक है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा लंबे न्यूमेरिकल डिटेल न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है. तो दीज आर द टू बुक्स दैट यू कैन रेफर. अकाउंटिंग के लिए आप डॉक्टर पीसी तुलसियान की बुक रेफर कर सकते हैं. आई हैव पर्सनली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर डॉक्टर पीसी तुलसियान सर एट रामजस कॉलेज, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बुक भी बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखी गई है. और मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन लेवल हो, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो, इवन प्रोफेशनल कोर्सेज हो, उसके लिए भी ये बुक रेफर की जाती है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द एमसीक्यू क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसके अंदर. ठीक है, तो यू कैन रेफर टू दिस बुक. सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं, यू कैन गो फॉर द बुक बाय
डॉक्टर आरपी रुस्तगी। आरपी रुस्तगी सर की बुक भी बहुत फेमस है, इसके अंदर थ्योरेटिकल ब्लेंड ज्यादा है, थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आई थिंक आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंडिंग में, समझने में टॉपिक को, एंड देन ऑन द बेस ऑफ दैट आई थिंक यू कैन अटेम्प्ट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो दिस इज द बुक फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं सबसे स्कोरिंग टॉपिक, मैंने पहले भी बताया था, अलग लेक्चर में भी बात करूंगा इस बारे में। ये जो सेक्शन है सेक्शन बी के अंदर, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, सेबी, नबार्ड, यूपीएससी, एनी फॉर दैट थिंग फॉर दैट मैटर, तो ऑलरेडी आपने इसको अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। उससे ऊपर का लेवल नहीं आने वाला, उससे नीचे का ही लेवल होगा। चलिए, हमने दो बुक्स आपको रेफर कर दी है फॉर योर प्रैक्टिस। वन इज आर ओन बुक बाय अनु जिंदल सर, ठीक है, ये अवेलेबल है अमेजन पे, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑर्डर इट। और द अदर बुक इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल, बहुत ही फेमस बुक है ये, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बैंकिंग में, ठीक है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी इस बुक को रेफर किया जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक उठा लीजिए, इसके अंदर सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सफिशियंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस। तो आई थिंक दीज टू बुक्स आर गोइंग टू बी मोर देन सफिशियंट। आगे चलते हैं, बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की। नाउ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने ये रियलाइज किया कि जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जो हमने अपने स्कूल डेज में पढ़े हुए थे, सच एज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या है, सर्किट्स क्या है, या फिर बहुत सारे जो कीवर्ड या एक्रोनिम्स हम जो यूज करते थे या जो पढ़ते थे, उन पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई अदरवाइज कोई बुक खरीदने की जरूरत है, यू कैन सिंपली गो थ्रू एनसीईआरटी बुक एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक यूपीएससी के लिए वैसे ही एनसीईआरटी की बुक्स रिकमेंडेड होती हैं अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आई थिंक कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो बेसिक बुक्स हैं आपकी स्कूल की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट इन ऑर्डर टू आंसर इट। और मुझे एक और चीज लगती है कि अगर आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सच एज शॉर्टकट कीज या फिर टैप्स का, तो थोड़ा सा आप कंप्यूटर पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस आउटलुक से, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा टैप किस टैप के अंदर कवर होता है, किस सेक्शन के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स हैं जो आई थिंक एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगे, सो यू कैन रेफर टू द एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल साइंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पे कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक, हु इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द आंसर। इसी तरीके से कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आई थिंक एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। और स्पेसिफिकली क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हैं, आई थिंक इसके अंदर काफी कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर्ड है और यहीं से क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, सो आई थिंक इन दोनों बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। आगे बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, दैट इज द बुक बाय मोहित भट्टाचार्य, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है, एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा बुक तो पढ़ने का टाइम नहीं होगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, हमने भी अपने लेक्चर्स में उसको ऑलरेडी शोकेस किया हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से इस बुक से आप रेफर कर सकते हैं एंड दैट विल बी गुड टू गो। तो ये आपकी बुक हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट एंड यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज आइडियली योर टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसके लिए एक बेस्ट बुक है विच आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो, दैट इज बाय स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया की ये बुक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक इसमें से अगर आप इसको आधा भी पढ़ के चले जाओ, बट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाओ, तो आई थिंक इसमें से आपसे क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। दिस इज वन शॉर्ट बुक, वन कॉम्प्रिहेंसिव बुक टू कवर एवरीथिंग, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। मूविंग अहेड विथ अ वेरी सिंपल टॉपिक, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब आपको मैं बताऊं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में बहुत ज्यादा है भी नहीं, और जो मैंने 2011 का पेपर एनालाइज किया था उसमें एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज इतना बड़ा एक्ट है ही नहीं। तो बेयर एक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल कर लो कॉम्प्रहेंसिव या फिर समरी नोट ऑन आरटीआई एक्ट, लेटेस्ट वाले रेफर करिएगा प्लीज, ठीक है, और वो रेफर करके पढ़ के एक बार रीड आउट करके चले जाओ, दो बार रिवाइज कर लो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। एक से दो क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछे जाने वाले, सो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, गूगल सर्च करके नोट्स निकाल लेना और उसको रेफर कर लेना, दैट विल बी ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं ऑन द लास्ट सेगमेंट, दैट इज डेवलपमेंट इश्यूज का एक टॉपिक है, कौन कौन से डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, और साथ साथ एक टॉपिक है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। आई थिंक ये जो दो चीजें हैं ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे, एक है पीआईबी सेशंस, पीआईबी करंट अफेयर्स के जो सेशन है जो मनीष सर लेते हैं, आई थिंक ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब देयर,
पढ़ाने के साथ साथ आपको साथ में याद भी करा देते हैं, सो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। एंड सेकेंड आई फील डेली करंट अफेयर्स है जो नेहा मैम लेती हैं, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड फॉर ऑल ऑफ यू फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर करंट अफेयर्स टॉपिक। आई थिंक ये दो सेशंस अगर आप रेफर कर रहे हैं जो मॉर्निंग में होते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अब कितने टाइम का रेफर करना है, आई वुड से एक साल का तो कम से कम रेफर करके जाइएगा, मिनिमम सिक्स मंथ्स एंड मैक्सिमम एक साल। इतने टाइम ड्यूरेशन के जो करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए एक स्पॉटलाइट भी इशू करते हैं हम, आप स्पॉटलाइट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रेफर टू द स्पॉटलाइट एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हो गए, जिसके बारे में बात करना चाहता था। अब एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे टेलीग्राम पे भी पूछा, पर्सनली भी मैसेज करके पूछा कि सर क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं anujindal.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225 और आप टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी दे सकते हैं। वंस यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक मॉक्स टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, बिकॉज वहां पे एग्जामिनेशन में आपको बैठ के फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके एक्यूरेसी के साथ सही जवाब देने हैं, बिकॉज 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो टेस्ट सीरीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज अगर परचेज करना चाहते हैं, यू कैन विजिट द वेबसाइट और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नाउ, ठीक है। सो दैट वॉज अ ब्रीफ लेक्चर, आई होप आपको ब्रॉड आइडिया लग गया दैट वॉट कुड बी द सोर्सेज। सारी बुक्स नहीं भी रेफर कर पाओगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, और उसको आप प्रेफर करके अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग, गुड नाइट।